नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूल खोलने की बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम सीएम राइज स्कूल खोल रहे हैं। एक स्कूल भवन में 16 से 28 करोड़ रुपए तक खर्च करेंगे, जिसमें गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ेंगे। इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं फसल क्षति का भुगतान करते वक्त बैतूल में कही। मार्केटिंग हेड दीपक भर्ती की रिपोर्ट। शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल अब खोले जा रहे हैं। धन्नू, कल्ला, पन्नू, मन्ना, चुन्ना, जुम्मन, उसके बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ना चाहिए। ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बहुत बेहतर होंगे, ये सोच लेना। एक स्कूल के भवन में 16 से लेकर 28 26 करोड़ रुपया तक हम खर्चा करेंगे। अच्छे भवन होंगे, लैब होगी, प्रयोगशाला होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी, प्लेग्राउंड होगा। और केवल उसी गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अब तो गांव गांव सड़कें हो गई है, तो गांव से बस में बच्चे सवेरे बैठ के आएंगे स्कूल में, और शाम को वही बस घर पे छोड़ के आएगी, ताकि अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सके। सीएम राइज स्कूल अब प्रारंभ कर रहे हैं। इस साल एक काम और कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण भाई बहनों को कहना चाहता हूं, अंग्रेजी कई बार हमारे बच्चों की प्रतिभा को कुंठित कर देती है, और अंग्रेजी ढंग से नहीं जानने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। अब मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की पढ़ाई भी, एक मेडिकल कॉलेज में शुरू करेंगे तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, हिंदी में भी पढ़ाई होगी, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी आगे बढ़ सके। तो आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है।